यतीमों का प्रॉब्लम आपको पता है कितना बड़ा प्रॉब्लम है हमारी कंट्री में? आप इस रिपोर्ट से देखिए, आपको पता चलेगा कि इंडिया के अंदर हम देखते हैं 3 करोड़ से ज्यादा यतीम, और उसमें से जो यतीम खाने चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट में, टोटल 3 करोड़ में से कितने हैं मालूम है आपको? 3,70,000। 3 करोड़ में से 3,70,000 कहां है? इंस्टीट्यूट से में है मौजूद, बाकी सब कहां है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की रिपोर्ट से क्या पता चलता है कि जो 9,589 यतीम खाने इंडिया में, उसमें से 91% नॉन गवर्नमेंटल। लेकिन आप देखोगे कि इतना बड़ा जो यतीमों का प्रॉब्लम है, जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो यतीम होते हैं ना, उनके लिए जिनके पास अगर कोई और फैमिली मेंबर नहीं ख्याल रखने के लिए, हालांकि सही चीज क्या है कि फैमिली मेंबर्स ख्याल रख लें वो यतीम को, कोई कोई और इंस्टीट्यूट जो यतीम खाने वगैरह तक ना पहुंचना पड़े। लेकिन अगर लास्ट के सिनेरियो में अगर कोई चीज नहीं है, तो एक बात पक्की होती है, अगर आप एक आम रस्से चिंते मुसलमान को भी बोलो कि भाई कोई यतीम है उसके पास कोई ख्याल रखने का मामला नहीं, तो आम सोल्यूशन ये कहा जाएगा अरे किसी मदरसे में डाल क्यों नहीं देते। तो ये मदरसा एक बहुत बड़ा एक सपोर्ट सिस्टम है जिसके जरिए ये सारे यतीम, इतने सारे यतीम जो बहुत ही मुश्किल वाली जिंदगी गुजार सकते थे, उनके लिए एक जरिया बनती है, बनते हैं यतीम खाने, जिनके जरिए उनकी हिफाजत का जरिया, उनकी शेल्टर है उनके लिए, उनके लिए खाना पीना है, मतलब तीनों चीजें, एजुकेशन है, फूड है, और आप देखोगे फंड रेजिंग की जाती है, मस्जिद मस्जिद का मामला है, हर मस्जिद जानती है कि रमजान का मामला हो, कितने सारे मदारिस के मदरसों से रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, ज़कात सदके का माल लेते हैं, पूरी कम्युनिटी सपोर्ट करती है जिससे कि इनको खाना पीना तक प्रोवाइड किया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, रहने का इंतजाम फ्री ऑफ कॉस्ट, तालीम उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है, हम सबको तो उल्टा सपोर्ट करना चाहिए इस चीज को। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें।